नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका अपना पवन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पवन जी कार वाले। दोस्तों, हुआ ये कि आज मैं दोपहर में आफ्टरनून में अपने बाइक से स्कूटर से आ रहा था, तो मेरे सामने मैंने देखा कि एक आदमी था और वो अपने मोटरसाइकिल बाइक पर जा रहा था। बाइक पे उसके साथ उसके दो बच्चे थे और साथ में उसकी वाइफ जो पीछे बैठी हुई थी, और आगे एक बैग भी रखा हुआ था पेट्रोल टैंक के ऊपर, और वहीं पे आगे उसका बच्चा बैठा था। इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी और वो इतना परेशान होकर जा रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ। छोटा बच्चा था, वो भी रो रहा था, तो उनको देख कर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कोई रतन टाटा जी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मैं जब आ रहा था तो मुझे ऐसे देखा तो मुझे थोड़ा मन में फील हुआ, तो मैं वापस आया तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो बहुत, जिनकी सैलरी जो महीने की 20 से नॉर्मल 15 से 20 हज़ार रुपये जो कमा लेते हैं, जिनकी सैलरी जो है महीने की 20 हज़ार तक है, और वो लोग भी ऐसी कुछ गाड़ियाँ हैं जो ऐसी, मैं कुछ ऐसी लिस्ट बनाऊँ, 5 गाड़ियाँ की मैंने ऐसी लिस्ट बनाई है जो आप लोग, वो लोग आराम से इस गाड़ी को आराम से परचेस कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग भी देख रहे हैं, हो सकता है अगर आपकी इनकम भी कम है और आप, या फिर आपने अभी नई नई गाड़ी सीखी है, तो आप ये जो मैं गाड़ियाँ बताने जा रहा हूँ, आप ये गाड़ी आराम से परचेस कर सकते हैं। और ये गाड़ियाँ इतनी सस्ती हैं कि आपको आराम से मार्केट में 60 से लेकर 70 हज़ार के बीच में आपको ये गाड़ी आराम से मिल जाएगी। और इस गाड़ी का, इन गाड़ियों का जो मेंटेनेंस है वो इतना लो कॉस्ट है कि आप आराम से इस गाड़ी को एफर्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको, मैं आपको टाइम से टाइम मिलती रहे, और आपके सहयोग से ही मैं आपको नई नई अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपको बना के देता रहूँगा। इस वीडियो पे, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली जो गाड़ी आती है वो है मारुति की 800। जी हाँ दोस्तों, मारुति 800 एक ऐसी गाड़ी थी जिसने हमेशा से ही सभी के दिलों पर राज किया। ये गाड़ी, गाड़ी नहीं, हम सबका इमोशन है। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी ऐसी थी, इस गाड़ी को आप उस टाइम भली महंगी आती होगी, लेकिन आज के टाइम में अगर आप इस गाड़ी को परचेज करने जाओगे तो आराम से 2007 से लेकर 2008 का मॉडल आपको मार्केट में इजीली 50 से लेकर 60 हज़ार के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी गाड़ी है जिसका एवरेज आप मान के चलो आराम से 18 से लेकर 20 किलोमीटर प्रति लीटर का आपको ये एवरेज निकाल के दे देगी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो भी आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, गाड़ी का एवरेज ही बहुत अच्छा है, और आप इस गाड़ी को आराम से मेंटेन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी जितनी छोटी है उतनी कंफर्टेबल भी है। इसके बाद बात करते हैं अगली गाड़ी जो हमारी लिस्ट में है, वो है मारुति की एल्टो। जी हाँ दोस्तों, एल्टो भी एक इतनी कंफर्टेबल अच्छी गाड़ी थी जिसने हमेशा ही मार्केट में अच्छा दबदबा बना के रखा। जी हाँ दोस्तों, एल्टो में अगर आप जाते हैं तो एल्टो आपको आराम से 2007 का लेकर 2008 के, 2000 यहाँ तक कि 2009 का मॉडल भी आपको मार्केट में 65 से लेकर 70 हज़ार तक आराम से ठीक कंडीशन गाड़ी आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी जो अगर आप एवरेज की बात मान के चले तो ये गाड़ी आपको आराम से 18-20 तक का, आपको 21 का एवरेज आराम से निकाल के दे देगी। इसका सर्विस कॉस्ट की बात करें तो ये, इसकी सर्विस भी आराम से मुश्किल से 3 से 3.5 हज़ार में गाड़ी आपको सर्विस भी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कम बजट में बहुत अच्छी और कंफर्टेबल कार है, हमेशा ही हम सभी मध्यम वर्गीय परिवार वालों के लिए, परिवार वालों की सबसे पसंदीदा कार ये गाड़ी रही है। इसके बाद अगले नंबर, जो तीसरे नंबर जो गाड़ी आती है वो आती है मारुति की वैगनार। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी का कंफर्ट जितना कहें उतना कम है, इतना अच्छा इस गाड़ी में लेगरूम मिलता है, इतना अच्छा आपको उस गाड़ी में हेडरूम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कंफर्टेबल कार है। 1100 cc का इसका इंजन आता था पहले, और 4 सिलेंडर की ये गाड़ी आती थी। आजकल जो गाड़ी आती है वो आती है के सीरीज़ में, जो कि 1000 cc का इंजन है और 3 सिलेंडर गाड़ी है। पहले की जो गाड़ी आती थी उसमें 4 सिलेंडर गाड़ी आती थी और 1100 cc का इंजन आता था, उसके बावजूद भी वो गाड़ी आराम से 20 का एवरेज निकाल के दे देती थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कंफर्टेबल कार है। इस गाड़ी को अगर आप लेना चाहते हैं तो मार्केट में 6 से 7 का मॉडल आपको आराम से, यहाँ तक कि 8 का मॉडल भी आपको आराम से 70 हज़ार तक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ये भी गाड़ी लो मेंटेनेंस गाड़ियाँ हैं। मारुति की कोई भी आप गाड़ी लेने जाओगे तो आपको बहुत ही सस्ती और कंफर्ट, दूसरी बात, तीसरी बात ये आती है कि वो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती है। सबसे, अब चौथी नंबर गाड़ी की बात करते हैं तो वो है मारुति की ही जेन। जी हाँ दोस्तों, अपने ज़माने की ये गाड़ी इतनी प्यारी गाड़ी थी, छोटी होने के साथ इतनी कंफर्टेबल भी थी, पावर भी इसका बहुत अच्छा था, और लोग इसको प्यार से अपने ज़माने की मिनी कूपर भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कंफर्टेबल शानदार गाड़ी है। ये गाड़ी भी अगर आप लेने जाते हो तो मार्केट में 2005 तक का मॉडल आपको मार्केट में आराम से 60 हज़ार रुपये में, अच्छी कंडीशन में गाड़ी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी।
मारुति की अगर आप सर्विस की बात करें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि गाड़ियाँ पुरानी हो गई हैं इनकी सर्विस वगैरह, इसकी कोई टेंशन नहीं है। मारुति की सभी गाड़ियों की जो सर्विस मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, कोई भी मैकेनिक इस गाड़ी को आराम से सर्विस कर सकता है और आप आराम से इस गाड़ी इन गाड़ियों को मेंटेन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जेन भी आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं। इन गाड़ियों का एसी भी बहुत अच्छा है, अल्टो वैगनर का एसी देखोगे, मारुति 800 में भी एसी आता है, एसी वाली आप गाड़ी लीजिए, इसका एसी भी बहुत अच्छा है, कंफर्ट है, आप अपने परिवार के साथ कहीं भी और आ जा सकते हैं और इनकी मेंटेनेंस भी बहुत सस्ती है। जेन का अगर आप एवरेज देखें तो करीब करीब 15 से 16 या 17 का एवरेज ये निकाल के दे देती है अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाते हैं तो। सबसे लास्ट में जो मैंने गाड़ी सेलेक्ट की है, वैसे तो ये गाड़ी आप लोग कहेंगे कि शायद इतनी सेफ नहीं है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी की बात करेंगे, मैं मानता हूँ अगर गाड़ी को आराम से चलाओगे, गाड़ी के किसी के साथ रेस नहीं लगानी है, फैमिली के लिए आप गाड़ी ले रहे हो तो गाड़ी को आराम से चलाना है। अगर आपको 50 से 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर कहीं आना जाना है या 150 किलोमीटर के 100 किलोमीटर के अंदर आने जाना है, सिटी में कहीं घूमना है, तो ये गाड़ी आपके बहुत काम आ सकती है। हाँ दोस्तों, अगर आपने नई गाड़ी सीखी है तो आप सिटी में भी इस गाड़ी को आराम से चला सकते हैं, आराम से इस गाड़ी पर हाथ साफ करते हैं। इसका एसी भी बहुत अच्छा आता है, मैंने देखा है, मैंने खुद चलाई हुई है गाड़ी। ये गाड़ी है टाटा की नैनो। जी हाँ दोस्तों, नैनो के अगर आप 10 का या 11 का मॉडल भी आप एसी वाला अगर मॉडल देखते हैं तो भी आपको मार्केट में इजीली 55 से लेकर 60 हज़ार में अच्छी कंडीशन की गाड़ी मिल जाएगी। इसकी सर्विस कॉस्ट भी बहुत सस्ती है, यहाँ तक कि इसका एवरेज भी आराम से 24 का 25 का एवरेज, ये गाड़ी आराम से आपको मार्केट में आपको ईजिली निकाल के दे देगी पर लीटर। जी हाँ दोस्तों, ये 5 गाड़ियाँ ऐसी है कि आप इस गाड़ी को कोई भी परचेज कर सकता है, एनीबडी कैन बाय। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत ही लो मेंटेनेंस गाड़ी है। अगर आप ये वो गाड़ी है, ये उन लोगों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ जो ये लोग सोचते हैं कि हमारी सैलरी कम है, हम कम कमाते हैं, इतनी हमारी इनकम नहीं है, फिर हम गाड़ी का सपना कैसे पूरा करें। यहाँ दोस्तों, ये वो लो मेंटेनेंस लो कॉस्ट की गाड़ी है जिसे खरीदने के बाद आप अपनी गाड़ी खरीदने का जो सपना है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप आराम से 1.5 साल 1.5 साल 2 साल इस गाड़ी को चलाइए, फिर आप अपग्रेड हो जाइए इन गाड़ियों को एक्सचेंज करा कर। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कभी भी आप गाड़ी चलाएँ तो हमेशा सीट बेल्ट पहन कर गाड़ी चलाएँ और कभी भी तेज़ रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं। परिवार के साथ जाते हैं, परिवार के साथ आते हैं तो आप जो आदमी स्टीयरिंग बैठ गया उसके साथ बहुत सी जिंदगियां जुड़ जाती है। आप अगर तेज़ चलाएंगे तो आपका परिवार में पीछे घर पे भी कोई इंतज़ार कर रहा है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप इन गाड़ियों में कभी भी जब लेने जाएं, आप सोचेंगे कि गाड़ियां तो बहुत पुरानी हैं, शायद एक्सपायर हो चुकी है, सरकार इस चीज़ की मान्यता नहीं देगा, लेकिन ऐसे बहुत सी सिटीज़ हैं, ऐसे बहुत से स्टेट हैं, मैं जहां से बात करूं तो हमारे यहां भी ऐसी गाड़ी हैं जहां गवर्नमेंट आरटीओ से वो गाड़ियां की जो आरसी है वो अपडेट हो जाती है, रिन्यूअल हो जाती है आगे के 4 से 5 सालों के लिए। तो आप इन गाड़ियों को आराम से कहीं से भी लें तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आरसी रिन्यूअल हो आगे के लिए, एक्सपायर्ड आरसी वाली ना लें। अगर आरसी एक्सपायर है तो वहाँ के आरटीओ से पता करें कि आरसी रिन्यूअल हो सकती है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। और जहाँ से भी आप गाड़ी लें उनकी डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपर चेक करें, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। और कभी सड़क पर चलें तो ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन करें, सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाएं और अपनी गाड़ी के अंदर अपनी गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस और पीयूसी की एक अलग से सेट बनाकर अपने ग्लोव बॉक्स में हमेशा रखें, ये बात मैं पहले भी आपको बोलता आया हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी है और आपके काम की है तो आपको यूज़फुल लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे अच्छी आने वाली जो भी नॉलेजेबल वीडियो है, काम ज्ञान की जो वीडियोज़ हैं, काम की वीडियोज़ हैं, वो आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, देन जय हिंद।